राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर देश भर में लाखों किसान दिल्ली में जुटने वाले हैं। प्रदेश सहित जिले में इस आंदोलन में शामिल होने से किसानों को रोकने के लिए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जिले में महासंघ के 3 पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद सोमवार किसानों का आक्रोश देखने को मिला। महासंघ पदाधिकारियों ने कृषि उपज मंडी में बैठक के बाद SP कार्यालय पहुंचकर गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों की रिहाई की मांग की। इस दौरान सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया। महासंघ के गोपाल पाटीदार ने बताया कि पुलिस ने उनसे बातचीत के बहाने बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। जमानत भी नहीं दी जा रही है। किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह देश के राजा की नाकामी है जो नाकामी दिखाने वालों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि सरकार गिरफ्तारी कर आवाज दबा सकती है तो अपनी हम गिरफ्तारी देने को तैयार है, लेकिन यह ध्यान रखना कि आपकी जेल कम पड़ जाएगी लेकिन गिरफ्तारी देने वाले कम नहीं पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ऐसी परिस्थितियां बनी कि माता बहनों को चोट आई, तो भाई ये शासन करने का तरीका नहीं है। हम शासक को बोलना चाहते हैं कि किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम का घोषणा आपने की, अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाते तो सॉरी बोल दो कि साहब हमने वायदा पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मगर किसानों को उसके बदले उसकी मांग के खिलाफ गिरफ्तारी करते हो। यही है कि भारत सरकार को ही भारत सरकार के किए हुए वायदे याद दिलाने के लिए हम दिल्ली जा रहे थे 13 फरवरी, और वही चीज सरकार को अच्छी नहीं लग रही है, और सरकार अपनी ही संपत्तियों को खोद रही है। उन्होंने रोड काट दिए हैं, पुलिये तोड़ दिए हैं, जगह जगह न जाने क्या क्या नौटंकियां कर रहे हैं, बैरिकेड लगा रहे हैं, तो भारत की संपत्ति को भारत की सरकार ही तोड़ रही है। अरे भाई, आंदोलन को तो हर युग में स्वीकार किया गया। राम ने, जिस राम राज्य की बात करते हैं, राम ने धोबी के आंदोलन को और झूठे आंदोलन को स्वीकार किया है। आपके किए गए वायदे को आप पूरा करिए ना भाई। चीटू प्लस 50 MSP की गारंटी 2014 में लेकर ही मोदी जी आए थे। गिरफ्तारी हो रही है, आपका क्या एक्शन रहेगा? ये जो गिरफ्तारियां हो रही है ये आगाज है अगली क्रांति का, इंकलाब का। राजा अपनी जीत पर है, वो गिरफ्तारियां लेंगे और हम गिरफ्तारियां देंगे। कितनी गिरफ्तारियां हुई जिले में अभी तक? 3 हमारे जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला संगठन मंत्री की जिले में गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश में 100 से ऊपर गिरफ्तारी हुई है। इसके लिए कोई सूचना दी थी विधिवत पहले? नहीं, कोई अचानक, कल हम शादी में थे, कैलाश भाई, किशोर भाई और हम एक जगह शादी में थे, और वास्तव में उन्होंने मिलने आने का बोला और बोले कि SP साहब मिलना चाहते हैं। बाद में मुझे बताया गया कि नहीं, उनको 151 की धारा के तहत जेल जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि उनका तंत्र है ना, कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं होती तो क्या करेंगे? यही नहीं होती है तो अगला एक्शन क्या होगा? अगला एक्शन हमने बता दिया, ये जेलों को यहाँ, अब ये खरगोन जेल को तो हमने देखा है, कई बार देखा है, यहाँ इनके बस की बात नहीं कि हमको रख लेंगे। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, खरगोन से भी कोई जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कितने लोग? अभी तैयारियां ही चल रही थी सरकार, अभी हमारा कोई योजना ऐसी, अपने अपने हिसाब से, शादी ब्याह का सीजन भी था भाई, अपने अपने हिसाब से जब शादी से निवृत्त हो, क्योंकि आंदोलन चलेगा लंबा, और इनके पास में ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं था हमारे खिलाफ, बस केवल गए और उठा लाए। क्या मुख्य मांग क्या है आप? हमारी मुख्य एक ही मांग है सरकार से, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्त और पूरा दाम। एक बार किसानों को प्रधानमंत्री के किए गए वायदे 2014 के तहत MSP की गारंटी, और अभी जो किसान कर्ज में है, ऋण में है, वो व्यवस्था की नाकामी के कारण हुआ है, इसलिए एक बार उसको ऋण मुक्त कर, उसको उनके उपज का, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जो बनी है, जिन्हें भारत रत्न दिया है, उन भारत रत्न स्वामीनाथन जी को असली श्रद्धांजलि भारत सरकार दे दे और MSP की गारंटी लागू कर दे, इतनी हमारी मांग है। गोपाल पाटीदार, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।